अगली खबर है रीवा के जीडीसी कॉलेज की। शासकीय कन्या महाविद्यालय महिला प्रकोष्ठ द्वारा छात्रों के लिए कॉलेज सभागार में स्वास्थ्य कैंप लगाया गया। कैंप के पूर्व आई अधिकारियों का स्वागत किया गया। चिकित्सकों को शॉल और श्रीफल के साथ सम्मानित किया गया। कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अनीता सिंह के साथ महाविद्यालय परिवार के छात्राओं एवं समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों का डॉक्टरों की टीम द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। यहाँ शासकीय कन्या महाविद्यालय में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन महिला प्रकोष्ठ के द्वारा किया गया था। मैं डॉक्टर शैलजा सोनी, विघ्नहर्ता हॉस्पिटल। यहाँ हमने जो एडोलसेंट गर्ल्स हैं, जो किशोरी महिलाएं हैं, जो किशोरियाँ हैं, उनकी स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को सुना और बहुत कुछ उनके क्वेश्चन का, उनके प्रश्नों का उत्तर दिया, जिसमें महिलाओं की सबसे ज़्यादा समस्या अनीमिया की समझ में आई है, जिसमें खून की कमी है, क्योंकि वो यहाँ खाना ठीक से नहीं खाती हैं और कम हीमोग्लोबिन वाली, कम आयरन जिसमें रहता है, उसके कारण आती हैं वो। तो उस समय इनको बहुत कमजोरी और चक्कर आना, ये सब भी हो जाता है। तो आज हमने यहाँ पर कम से कम 100 से अधिक किशोरियों का हीमोग्लोबिन की जांच की गई, ज़रूरत पड़ने पर शुगर की भी जांच की गई। किसी एक लड़की को तो चक्कर भी आ गया, जिसको भर्ती भी कराना पड़ा, उसका हीमोग्लोबिन बहुत ही कम था। तो ज़्यादातर अनीमिया की प्रॉब्लम सबसे पहली आई है, फिर मासिक अनियमितता की प्रॉब्लम आई है और मेंस्ट्रुअल हाइजीन को कैसे मेंटेन किया जाए, ये 3-4 चीज़ों पर हमने बहुत अच्छे से किशोरियों को समझाया और उनके प्रश्नों का उत्तर दिया और उचित उनका परामर्श दिया और जांचें कराई। शासकीय कन्या महाविद्यालय रीवा में डेंटल कैंप और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हम डॉक्टर शैलजा सोनी, डॉक्टर सुधा सोनी, डॉक्टर आशीष सोनी और मैं डॉक्टर विनीशा, हमारे द्वारा स्वास्थ्य सेवा का आयोजन किया गया। इसमें बच्चों की जो दांतों में परेशानी है, मैंने उनका चेकअप किया। मैंने तकरीबन 200 बच्चों का और शिक्षकों का दांत का चेकअप किया। मैं कहना चाहती हूँ कि दांत का चेकअप, दांत का इलाज आज के डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दांत की समस्याएं बहुत कॉमन हो चुकी हैं। आमतौर पर दांत का इलाज लोग नहीं करा पाते, तो क्या भी परेशानियां आएंगी और क्या हो सकता है? दांत का इलाज ना कराने पे बहुत सारी परेशानियां आती है। जब वो विकराल रूप ले लेती है तो किसी किसी लोगों को कैंसर भी हो जाता है, क्योंकि दांत के अंदर जब इन्फेक्शन होता है तो वो बहुत धीरे से बढ़ता है और कभी कभी बहुत विकराल रूप ले लेता है। कब कराना?